अस्सलामुअलैकुम। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्नाटका व्लॉगर फलकनास किचन में स्वागत करती वेलकम करती हूँ आपको। मैं आज बहुत ही यमसी और हेल्दी वाली रेसिपी देने वाली हूँ टमाटो रसम की। होप आपको ज़रूर पसंद आएगी डियर फ्रेंड्स। जब भी आपको लो फील हो, बुखार आ जाए, ज़ुबान को अच्छे से जायका देना हो और राइस खाना हो तो इस तरह से रसम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। मिनटों में बन जाते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लाल टमाटर लिए हैं डियर फ्रेंड्स। इसके बीचों बीच ना हमें कट लगाना है। कट लगाना इसलिए है क्योंकि ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर ये टमाटर सड़ा हुआ हो, अगर अंदर कीड़े हो तो आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे कि मुझे नज़र आ गया। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें ना कीड़े थे तो जैसे मैंने कट लगाया तो बाहर आने लगे, तो मैंने इस टमाटर को फेंक दिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं। इस तरह से फ़ायदा हो जाता है, कट लगा के देखिएगा और मिनटों में बन जाता है। तो 4 टमाटर को अच्छे से मैंने कट लगाया और जो है एक भगोना लिया, उसमें 4 टमाटर को मैंने ऐड किया और 2 जो है कप मैंने यहाँ पे पानी डाला ताकि ये अच्छे से गल जाए। और हाई फ्लेम पर इसे चूल्हे पे रख दिया। हाई फ्लेम पे रखिएगा, मिनटों में ये जो टमाटर हैं वो गल जाते हैं अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 स्पून काली मिर्च को लिया है लगभग 15, और 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन, 1 स्पून ज़ीरा और ताज़ा करी पाक लिया है थोड़ा सा। इसका एक अच्छा सा दरदरा पेस्ट बनाना है। यहाँ पे देखिए टमाटर ऑलमोस्ट जो है गल गए हैं, इस तरह से स्किन ना अलग होने लगी है, तो ये डन है। तो इसे मैं अलग से साइड में रख के ठंडा कर लूँगी और इसका जो ऊपर का स्किन है ना वो मुझे निकालना है। तो जैसे ही ठंडा हो जाए आप इसको मैश करना है। तो स्किन निकाल दीजिएगा, आप इसे मैशर में मैश कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके हाथ से ही कर ले सकते हो। तो मैंने हाथ से और स्पून की मदद से इसे अच्छे से मैश किया है, जैसे कि अच्छा सा पेस्ट जैसा मैंने इसे प्यूरी जैसा बना लिया, इस तरह से सॉफ्ट बनाया है। देखिए इस तरह से मैश करके बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट सा प्यूरी बना लीजिएगा। उसके बाद जो है इसे एक अच्छे से जो है एक भगोने में, सेम भगोने में मैंने डाला है। उसके बाद 2 कप पानी डाला है। रसम का मतलब यही होता है कि बहुत पतला सा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। 2 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला, उसके बाद हाई फ्लेम में ही रखा है, लो फ्लेम नहीं रखा है। इसके बाद एक छोटा सा खौल आने देना है। जैसे ही खौल आएगा इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूंगी मैं। उसके बाद जो कुटा हुआ जो मसाला मैंने रेडी किया था ना, दरदरा सा रहना चाहिए ताकि वो जब भी मुंह में आए ना, काली मिर्च और जो भी मैंने लिए हैं वो मुँह में आए तो बहुत अच्छा लगता है रसम। इस तरह से दरदरा सा कूटेगा, फाइन नहीं, थोड़ा सा। इसको जो है खौल आने के बाद जो है इसमें हल्दी डाल दीजिएगा 1/2 स्पून, जैसे कलर आने लगेगा। और साथ और 1 बड़ा स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है टेस्ट आने के लिए। अच्छी सी खुशबू बढ़िया सी आ रही थी, रसम वाली खुशबू आएगी, आप धनिया पाउडर डालिएगा। उसके बाद अच्छे से खौल आना है हमें। एक छोटी सी हरी मिर्च को मैंने कट लगाया है, बहुत छोटी सी, ताकि इसका जो फीकापन है वो अच्छे से आ जाए और जब भी हम रसम को खाएं ना तो अच्छा सा हमें फील हो। उसके बाद 4 स्पून मैंने इमली का पल्प डाला है, यानी खट्टा डाला है। अगर टमाटे रेड हो, खट्टे हो तो चलेगा, फिर भी डाल के देखिएगा, बहुत बैलेंस होगा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इमली का भी। उसके बाद मैं एक छोटा सा गुड़ का डला डाला है, एक छोटा सा ही डाला है ताकि रसम का जो है बैलेंस जायका बैलेंस रहे। और रसम वाली जो मेन जो थिंग होती है ना वो गुड़ ही है। गुड़ डाल के देखिए, होटल वाला जो रसम का जो फ्लेवर होता है ना वो आएगा। उसके बाद बारीक सी कोथिमीर को कट लगा के यहाँ पे डाल दिया मैंने और इसे अच्छे से खौलाना है। जैसे ही जैसे खौल रहा था ना तो मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, इतनी अच्छी बढ़िया सी खुशबू आने लगी थी, सच बता रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और 4 स्पून मैंने तेल डाला है। उसके बाद हींग डाला, राइन डाला है 1 स्पून, ज़ीरा यहाँ पे मैंने नहीं डाला, बस राइन डाला है। उसके बाद 4 जो है लहसुन, इसको इसे कुचला है मैंने ताकि इसका फ्लेवर आए, 2 रेड चिली और करी लीफ, बस एक छोटा सा तड़का। उसके बाद जो है फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया था रसम का, उसमें तड़के को मैंने ऐड कर लिया। जैसे ही तड़कों को ऐड करते हैं ना तो इतनी बढ़िया सी खुशबू आने लगती है रसम की। ये रसम ना आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिनटों में बन जाती है डिफरेंस। गर्मा गर्म राइस होना तो पापड़ अचार की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सच बता रही हूँ। मैंने आपको छोटे से ग्लास में मैंने डालकर पिया भी था इसको, बहुत अच्छा था। और रात में भी मैंने इसे इसी से राइस खाया, चपाती वाई थी, कुछ भी नहीं बनाया, बस राइस और रसम। क्या बढ़िया से खाना, और मुँह का जायका जो है ना वापस आ गया। जब भी लो फील करे, बुखार जैसा फील हो और राइस खाने का मन करे ना, तो इस रसम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। छोटी सी रेसिपी डालिए, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिनटों में बन जाती है हेल्थी वाली जो है टमाटो की रसम की रेसिपी डाली है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिए, आपके फीडबैक की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।